नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। नया दिन नया सफ़र। जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस एयरपोर्ट के अंदर एंट्री से लेके फ्लाइट में बैठने तक का सारा एक्सपीरियंस अनकट आप लोगों के साथ। अगर आपका कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए। तो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं डिजी यात्रा ऐप। डिजी यात्रा ऐप में मैंने अपना बोर्डिंग पास और अपना आधार कार्ड अपडेट कर दिया है। तो अपडेट करने के बाद मिला मुझे QR कोड, और उस QR कोड को मैंने यहाँ पर स्कैन किया और मुझे मिल गई ही है एंट्री। बहुत ही सिंपल है। और बेस्ट चीज़ क्या है, टर्मिनल 3 लखनऊ एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा ऐप अवेलेबल है। तो आप भी डिजी यात्रा ऐप को यूज़ कीजिए और अपना सफ़र आसान बनाइए। और जैसे ही आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा कि आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे काउंटर डिफरेंट एयरलाइंस के। आप जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस एयरलाइन के काउंटर पर जा सकते हैं, अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं, अपने बैग्स को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 3 एयरलाइंस अभी के लिए ऑपरेशनल हैं, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो। हम आज ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो से, और मैंने अपना वेब चेक इन किया हुआ है। तो मुझे, और मेरे पास कोई बैग भी नहीं है ड्रॉप करने के लिए, मेरे पास एक हैंड बैग है, तो वो मुझे बैगेज चेक इन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मैं कैरी कर सकता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं लाइन में अपने बैग्स को ड्रॉप करने के लिए। सामने आकाशा एयर है और राइट साइड में एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर है। यहाँ पर इन काउंटर्स पे जाके आप अपने बैग्स को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में 15 kg बैग्स का वेट अलाउड होता है। जो बैगेज का चेक इन होता है, जो बैग्स आप यहाँ काउंटर पर ड्रॉप करते हैं, उनका वेट 15 kg अलाउड होता है। बाकी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 kg एक्सटेंड कर दिया है कि हर पैसेंजर 25 kg कैरी, मतलब चेक बैग्स को चेक इन करा सकता है। बाकी फिर भी आप रिकन्फर्म कर लीजिएगा। बाकी देखिए, जो ये वाला जो एरिया है, अभी ये ऑपरेशनल आई थिंक नहीं है। यहाँ से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी वो सारे एयरलाइंस के काउंटर यहाँ बनेंगे, अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ से अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं हुई हैं। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की भी, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अभी के लिए मतलब बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं जो यहाँ से ऑपरेशनल हैं। जैसे अभी यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस नहीं है, यहाँ पर स्पाइस जेट एयरलाइंस नहीं है। ये दोनों ही एयरलाइंस अभी भी टर्मिनल 2 लखनऊ एयरपोर्ट, जो पुराना एयरपोर्ट है, वहाँ से ही ऑपरेशनल हैं। इनफैक्ट इंडिगो एयरलाइंस ने भी अपना जो ऑपरेशन है यहाँ पर 21st of April या 26th of April से ही स्टार्ट किया है। बट स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर वो सारी एयरलाइंस का ऑपरेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, और उसी वजह से आप देख सकते हैं इतने सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के काउंटर बनाए गए हैं, ताकि मेजॉरिटी जितनी भी एयरलाइंस अक्रॉस इंडिया हैं वो सारी एयरलाइंस अपने अपने ऑपरेशंस टर्मिनल 3 से स्टार्ट कर लें, और यहाँ से ज़्यादा पैसेंजर्स को हेल्प होगी, यहाँ से ट्रैवल कर पाएंगे। बाकी देखिए, जैसे मैंने कहा था, मेरे पास कोई लगेज नहीं है ड्रॉप करने के लिए, मेरे पास एक हैंड बैग है, अपना वेब चेक इन मैंने किया हुआ है, बोर्डिंग पास मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन के लिए। एंड ये सिक्योरिटी चेक इन का जो ये प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, और अक्रॉस इंडिया जितने भी एयरपोर्ट है हर जगह होता है कि आपके पास जो भी, जैसे आपके पास आपका वॉलेट है, मोबाइल है आपका, आपने अगर आपने घड़ी पहनी हुई है, आपने बेल्ट पहनी हुई है, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है आपके बैग में, वो सारा सामान निकाल के आपको एक ट्रे में रखना होता है। जो ट्रे यहीं पर ही मिलती है सिक्योरिटी चेक इन के दौरान मिल जाएगी आपको, उसको रख के एक मशीन से एक्सरे होता है कि आप ऐसा कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं जो फ़्लाइट के लिए डेंजरस हो सकता है, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डेंजरस हो सकता है। और ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, इसमें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको डिजी यात्रा की ऐप की, मतलब जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसकी लाइन दिखाई देगी। अभी देखिए टर्मिनल 3 पे रश नहीं है, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा। बाकी डिजी यात्रा का बहुत फ़ायदा है कि QR कोड यहाँ पर, जैसे अंकल ने स्कैन किया, यहाँ पर मैंने भी स्कैन किया, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हुई इस कैमरे में और अपनी एंट्री हो गई। तो यहाँ अब हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाएंगे। और दोस्तों, सिक्योरिटी चेक इन के दौरान यहाँ पर ना एक्चुअली कैमरा से
रिकॉर्ड करना मना होता है। मेरे पास एक बार प्रॉब्लम दिल्ली में हो चुकी है कि मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी और मेरा सारा कंटेंट उन्होंने डिलीट कर दिया था, मुझसे छीन लिया था, थोड़ा सा बहसबाजी भी हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ। एंड दोस्तों फाइनली अपना सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग सब अपने अपने सामान की इंतज़ार में खड़े हैं। एक एक्सरे मशीन से आपका बैग, आपका सामान जो भी आपने रखा है ट्रे में, वो स्कैन होके आता है। अपना प्रोसेस हो गया है। अपने को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, मेरे बैग में मेरे कैमरा की सेल्फी स्टिक बोल सकते हैं या कैमरा स्टिक थी, उन्होंने वो चेक किया, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो मुझे दिखाना पड़ा ये कैमरा है, ये स्टिक है। बट कुछ ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, कुछ होता नहीं है, बस उनकी एक फॉर्मेलिटी उन्होंने देखा, तो उन्हें कुछ डाउट हुआ तो हो गया। बाकी यहाँ पर अपना सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस हो चुका है और हमने रख दी अपनी ट्रे वापस। जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रे मिलती है और यहाँ पर आप इन ट्रे में अपना सामान रखते हो और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर स्कैन होके आते हैं और आपको फिर आपका सामान मिल जाता है। और देखिए आप सामने देख रहे हैं ना, अंकल बेल्ट ले जा रहे हैं। आपको हर एक चीज़ निकाल के इन ट्रे में रखनी होती है। बेल्ट होगी, वॉलेट हो गया, आपका मोबाइल, आपका घड़ी होगी, हर एक चीज़ को स्कैन किया जाता है। बाकी अपना सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस डन है। बाकी आप देखिए कि ये क्या जो ये लेन है, मतलब जो ये मतलब कितनी ही सुंदर बनाई गई है, क्या मतलब दिमाग लगाया गया है, कुछ अलग करने की कोशिश की गई है। मैंने ऐसा कुछ जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, मैंने वहाँ कहीं पर भी नहीं देखा है। बट ठीक है, अच्छा है। और ये इनफैक्ट अभी एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। इनफैक्ट अच्छी चीज़ है यार, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है। मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, कुछ यूनिक है। बाकी अब हम क्या करते हैं, मैं अब आपको आगे टूर कराता हूँ पूरे एयरपोर्ट का। हमने मुझे अभी देखिए, जैसे मैंने वेब चेक इन तो किया हुआ था, मेरे पास बोर्डिंग पास भी है, लेकिन जब हम ऑनलाइन जब हम बोर्डिंग पास डाउनलोड करते हैं तो उसमें गेट नंबर मेंशन नहीं होता है। तो सामने जैसे ये स्क्रीन लगी हुई है, तो इस पे आपको अपना फ्लाइट की टाइमिंग और हर चीज़ के अनुसार आपको आपका गेट नंबर मेंशन हो जाता है। तो आगे स्क्रीन लगी होगी, मैं वहाँ पर देख लूँगा कि मेरा कौन सा गेट नंबर है, मेरी फ़्लाइट कितने बजे बोर्ड करना स्टार्ट करेगी और क्या गेट नंबर है। बाकी ऐसा कुछ है इंटीरियर, मतलब बाकी ऐसा कुछ है व्यू कि दोनों तरफ आपको शॉपिंग के लिए, आपको अगर कुछ पीना हो, चाय कॉफ़ी, अगर बियर की भी आयरिश हाउस भी है, बार है, मतलब आई थिंक डेवलप काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। यहाँ पर ये सिटिंग है, आप कोई भी बैठ सकता है। लेफ्ट साइड में यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, मतलब शॉपिंग के लिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये रोशो बना लो, मतलब कुछ भी आप ख़रीद सकते हैं। और ये ड्यूटी फ्री है नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपको हर एक चीज़ यहाँ मिल जाएगी। बट मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ लाउंज, क्योंकि आई होप यहाँ लाउंज हो। और मैं आपको एक बार जो लाउंज है उसका मैं एक बार आपको टूर करा पाऊँ और कैसे होती है लाउंज के अंदर एंट्री, वो सब कुछ वो भी मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर हुआ तो फॉर श्योर मैं वहाँ भी ले चलूँगा। बाकी अभी देखिए कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अभी चल रहा है। सारे स्टोर्स ओपन नहीं हुए हैं, बट मेजॉरिटी लेफ्ट राइट आपको देख सकते हैं कि सब स्टोर ओपन हो चुके हैं। बट एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, ये जितना बाहर से जितना बड़ा एयरपोर्ट, और मतलब एक होता ना कि जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 3 है, वो बहुत खुला एयरपोर्ट है, मतलब इतना कंजस्टेड नहीं है। मुझे थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, थोड़ा सा मतलब दोनों तरफ दुकानें होगी, एक पतली सी गली होगी, आप बस वॉक करते जा रहे हैं लेफ्ट राइट, वो चीज़ है। बाकी देखे देख सकते हैं 14 गेट नंबर 14-19 राइट साइड में और 1-4 नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी स्क्रीन में मैं अभी देख लेता हूँ, आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, मेरा जो गेट नंबर है वो है गेट नंबर 18। तो अपना 14-19 जहाँ पर एरो बना हुआ राइट साइड को, तो हम यहाँ से राइट चलते हैं और अपने गेट के पास एक बार चलते हैं और देख लेते हैं एक बार। और उसके बाद फिर जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी, बोर्डिंग का टाइम जैसे स्टार्ट होगा, तो वापस देख लेते हैं, फिर वहाँ पर वेट कर लेंगे और फिर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यार वैसे मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, मेरी फ़्लाइट जो है वो शाम को 7 बजे है और अभी आई थिंक 5:15-5:30 हो रहे हैं, तो मेरे पास बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1 घंटा है अभी आराम करने के लिए। तो एक बार मैं आपको एक बार टूर करा देता हूँ और फिर आराम से बैठूँगा। लंच तो मैंने कर लिया है, बाकी ये गेट नंबर 14 है, 15 है जैसे वहाँ पर साइन था। और यहाँ पर सीधा मतलब वॉक करते जाएंगे तो शायद
वो गेट आते जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सिटिंग मिला हुआ है, राइट साइड में आई थिंक ये वॉशरूम है सबके लिए, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है मुझे। और अभी तो सिर्फ बहुत लिमिटेड ही एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेशनल हैं, और अभी से ही इतना कंजेस्टेड फील हो रहा है, तो आई डोंट नो मतलब जब सारी एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेशनल हो जाएंगी तो तब क्या होगा। बाकी आज देखते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी कुछ ऐसा कुछ है व्यू इंटीरियर, मतलब जो मतलब जब आप एंट्री करी थी तो भाई साहब जो फीलिंग थी ना एयरपोर्ट के अंदर की, वो बहुत ही अमेजिंग थी यार। क्या इंटीरियर किया हुआ है, मज़ा आ गया। मतलब मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अभी रिसेंटली मुंबई गया था, उस टक्कर का तो नहीं बोलूँगा, मुंबई एयरपोर्ट तो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ल्ड में, अच्छा है मतलब वर्ल्ड या एशिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग काम किया हुआ है अडानी ग्रुप ने। हाँ, लेकिन ये एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने ही बनाया है बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चलती है अडानी के ऊपर, ठीक है। बाकी लेफ्ट साइड में कौन सा गेट नंबर है, गेट नंबर 16 है, हमको और आगे वॉक करना है। और आप देख ही सकते हो गेट नंबर 16, गेट नंबर 17 बिल्कुल साथ में है, उसके यहाँ पर लोग अपना वेट कर रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। देखो मतलब कितना, देखिए आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड सा नहीं हो गया है कि अब लोग अपनी फ़्लाइट का मतलब गेट पे खड़े हो गए, उसके सामने खड़े हो गए फ्लाइट का बोर्ड करने के लिए, कितना कंजेस्टेड हो रहा है। अगर मतलब एक बंदे ने यहाँ से क्रॉस करना है तो कितना उसके लिए मतलब थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड लग रहा है। मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे ही लग रहा है, अगर आपको भी लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप अगर किसी भी एयरपोर्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है, मेंशन किया कि हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने कहा था कि टर्मिनल 3 लखनऊ की एयरपोर्ट का व्लॉग बनाइए, तो हम आ गए यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी एयरपोर्ट का व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम पहुंच जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बाकी ये है आई थिंक 17-18, गेट नंबर 17-18 पे हम पहुंच गए हैं। यस फाइनली, हाँ आई डोंट नो आपको कैमरा में दिखाई दे रहा हो नहीं होगा या नहीं दे हो रहा होगा, हाँ ये 17-18 है। अभी तो टाइम है, जैसे मैंने कहा था बोर्डिंग का टाइम है, तो थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और उसके बाद जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी फ़्लाइट आधा घंटा लेट है और हमारा जो बोर्डिंग का जो गेट है वो चेंज हो चुका है। हम वापस से गेट नंबर 15 पे आ गए, हम गेट नंबर 18 पे वेट कर रहे थे एक्चुअली। पर गेट नंबर 18 पे उन्होंने अनाउंस किया कि आपकी अब जो फ़्लाइट का जो बोर्डिंग होगा गेट नंबर 15 से होगा, तो हम यहाँ आ चुके हैं गेट नंबर 15 पे और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट लाइन में लगते हैं और फिर अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठेंगे और अपना सफ़र शुरू करेंगे लखनऊ से दिल्ली का। और जैसे ही आप लाइन में लगते हैं तो आप देखिएगा सब पैसेंजर्स अपनी अपनी टिकट, जिनके पास बोर्डिंग पास हैं हार्ड कॉपी वो दिखा रहे हैं, या जैसे मेरे पास फ़ोन में है QR, मतलब जो वेब चेकिंग जो मैंने बोर्डिंग पास डाउनलोड किया हुआ है वो दिखाना है आपको। यहाँ पर आपको देखिए, जैसे मेरे पास QR कोड है अपनी टिकट का, मैं वो यहाँ पर दिखाऊँगा और फिर मुझे एक बार एंट्री मतलब यहाँ पर दिखाना पड़ता है दोस्तों। मतलब ये प्रोसेस आपके साथ भी होगा जब आप भी ट्रैवल करेंगे, एक फ़ाइनल मतलब यहाँ पर आपको दिखाना ही होगा। और उन्होंने मेरी टिकट को स्कैन किया और मेरे को यहाँ पर एंट्री मिल गई दोस्तों। और अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ, यहाँ से ऐसे वॉक करेंगे और अपनी फ़्लाइट की तरफ जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा दोस्तों। और अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मतलब अगर आपके पास कुछ इनपुट है या आप कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पे बने रहिए, अभी फ़्लाइट के अंदर हम एंट्री करेंगे, एक बार और शायद हमारी जो टिकट्स हैं वापस चेक होती हैं कि कितने लोगों ने मतलब जहां हमने अभी अपना फ़ोन दिखाया था, अपनी टिकट दिखाई थी, वहां से कितने लोगों ने एंटर किया और फ़्लाइट के अंदर कितने लोग घुसे,
वो काउंट रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है कोई पैसेंजर यहाँ पर बीच में रुक गया है या छुप गया है, मतलब वो एक सेफ्टी कंसर्न के लिए करना पड़ता है आई थिंक। उसमें कोई बुरा भी नहीं है कि दो बार तीन बार चेक करते हैं कि काउंट बराबर रहे। और जैसे मैंने कहा था, वापस एक बार फ्लाइट के अंदर घुसने से पहले आपकी वापस एक बार टिकट चेक होगी, आपका एक काउंट मतलब कितने लोग वहाँ से एंटर किए और कितने लोग फ्लाइट के अंदर घुस रहे हैं, वो काउंट बराबर रखते हैं। और ये है अपनी फ्लाइट की एयर होस्टेसेस जो आज हमें असिस्ट करेंगे। बाकी ऐसा कुछ है इंटीरियर लेफ्ट और राइट में ऊपर आप सामान रख सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बस मैं अब थोड़ी ही देर में अपनी सीट पर बैठने वाला हूँ, अपनी सीट है 30EB, वहाँ बैठूँगा और फिर सफ़र शुरू करता हूँ दिल्ली का। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। बाय बाय, टेक केयर।